शुक्रवार को सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत रैली निकाली गई और निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। रैली का शुभारंभ पार्षद धर्मेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रधानाचार्य लीलामणि गुप्ता ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को रोजगार के नए अवसरों की जानकारी प्रदान की। प्रभारी अनिता शर्मा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी आम सभा में नवंबर 2014 को 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में तकनीकी, व्यावसायिक और अन्य कौशलों के प्रति जागरूकता पैदा करना है, जिससे बेरोजगारी कम हो और सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा हो सके। इसके लिए विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से हेल्थ एंड केयर प्रभारी अमिता मैसी और ब्यूटी एंड वेलनेस प्रभारी रेखा शर्मा द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर विद्यालय में अतिथि धर्मेंद्र शर्मा और प्राचार्य लीलामणि गुप्ता ने शहतूत के पेड़ लगाकर छात्राओं को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी दी। इस कार्य में विद्यालय के प्रधानाचार्य लीलामणि गुप्ता, विजय कुमार शर्मा, अरविंद पार्षद, सुरेश भारती, अशोक कुमार शर्मा, सुषमा शर्मा, अनिता राज, सत्यनारायण मारोटिया और विद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं। युवा कौशल दिवस तो बेरोजगारी कम करने के लिए और श्रम की महत्ता बताने के लिए छात्राओं में जागृति हो, क्योंकि वो केवल किताबी पढ़ाई करने के बाद और नौकरियां ढूंढते हैं, तो उस दिशा से हटा करके स्वरोजगार के संबंध में इनको आगे बढ़े और विभिन्न फील्ड्स की, क्षेत्रों की जानकारी हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से रैली आयोजित। विश्व युवा दिवस के उपलक्ष्य में सावित्री स्कूल में वृक्षारोपण किया गया और एक रैली का आयोजन किया गया और छात्रों में ये संदेश दिया गया कि पढ़ाई के साथ साथ में स्वरोजगार के लिए भी जागरूकता बने और सब आत्मनिर्भर बने। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बदेल ने कहा कि कौशल विकास कर युवा रोजगार हासिल कर सकते हैं। वर्तमान युग हुनरमंद लोगों का है, जिनके पास कौशल है वे हर क्षेत्र में सफल है। आज ऐसी कई मिसालें हैं जब युवाओं ने कौशल विकसित कर एक नया आयाम स्थापित कर दिया। खुद तो उन्होंने रोजगार हासिल किया ही है, दूसरे युवाओं को भी नौकरियां दी हैं। अनिता बदेल ने शुक्रवार को सूचना केंद्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राजस्थान आजीविका एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित किया। जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने कहा कि देश की युवा शक्ति भारत की संपदा है। भारत में विश्व में सर्वाधिक संख्या में युवा है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व युवा कौशल दिवस मना रहा है। विकास करने वाले युवा दिमाग और हाथ भारत के पास है, इसलिए विश्व के सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र के निदेशक प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने कहा कि भारत की युवा शक्ति को कौशल के माध्यम से प्रशिक्षित करके संपदा बनाई जा रही है। युवाओं के हाथ हुनर और रोजगार होने से देश की राष्ट्रीय उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से भारत का विकास होगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने इस वर्ष के लिए रघुवीर मीना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्हें समारोह में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इसी तरह महेंद्र सिंह रावत को अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में व्यवसायी एसजी भायती, पंकज सिंगल, वीपी सिंह, प्रावधिक शिक्षा उपनिदेशक एके नागर, आईटीआई प्राचार्य नरेश शर्मा, महिला आईटीआई प्राचार्य राजकुमार, प्लेसमेंट प्रभारी शैलेंद्र माथुर सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जो यहां से आईटीआई पास है, जिन्होंने अपनी अच्छी फैक्ट्रीज लगाई है, अच्छे जॉब में अपना अच्छा कारोबार खोला है, उनके लिए उनको हमने यहाँ ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, जिसके अंदर रघुवीर मीणा नामक जो छात्र है, जिसकी अपनी यहाँ फैक्ट्री डाली है, उसने उसके यहाँ 10-12 व्यक्ति काम करता है, उसको सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार एक छात्र मोटर मैकेनिक का रावत है, जिसने अपना खुद का ओन वर्कशॉप है और उसके यहाँ भी 10-12 व्यक्ति काम करते हैं। उसके यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाती है। नारेली जो अपना जैन तीर्थस्थल है, उसके पास में उसका वर्कशॉप है। तो ये हम इस प्रकार बच्चों को सम्मानित करने और युवाओं को कौशल की जानकारी देने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज ये विश्व युवा कौशल दिवस मना रहे हैं।